तो देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 पार है, जिसे बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है, जिसे देखते हुए सरकार ने ग्रैप 3 को भी लागू कर दिया है। प्रदूषण आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है, यही वजह है कि लोगों को सलाह दी गई है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकले, बेहद जरूरी होने पर ही बाहर की गतिविधियों को करें। आपको बताते हैं कि आज से किन नई चीजों पर दिल्ली एनसीआर में बैन लगाया गया है। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे तापमान कम हो रहा है, सर्दी बढ़ रही है, तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिल्ली के अंदर पिछले 48 घंटों में जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के पार रहा, यही वजह है कि अब सीएक्यूएम की तरफ से दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 के नियमों को लागू कर दिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा जो एक्यूआई लेवल है वो 400 को पार करता है तो फिर दिल्ली के अंदर ऑटोमेटिक सीएक्यूएम जो है वो ग्रैप 3 लागू कर देता है। फिलहाल दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 के नियमों को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत दिल्ली के अंदर 5वीं क्लास तक यानी कि प्राइमरी जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 5वीं क्लास तक के कक्षा के बच्चों को दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से BS3 की पेट्रोल और BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरे राज्यों से दिल्ली के अंदर बसेस आती हैं डीजल की, BS6 को छोड़कर जितनी भी डीजल की बसें हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आनंद विहार में, और यहाँ पर देखिए जो कौशाम्बी डिपो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की जितनी भी बसेज हैं जो कि अगर BS6 उनका इंजन नहीं है तो उनको दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है कि आनंद विहार में लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता रहा। इसके साथ साथ दिल्ली की सड़कों पर समय समय पर जो पानी का छिड़काव है उसको तेजी से करने का जो आदेश है वो ग्रैप 3 में दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहा था उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है ग्रैप 3 के नियमों के अनुसार। कंस्ट्रक्शन पर या फिर जो डेमोलिशन होता है डेमोलिशन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि अगर कोई घर टूटता है या फिर किसी घर को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन हो या फिर डेमोलिशन हो, दोनों पर ही प्रतिबंध लगाया गया है ग्रैप 3 के नियमों के अनुसार। साथ ही साथ हालांकि दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं या फिर जो CNG गाड़ियां हैं उन पर कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन दूसरे राज्यों से जो पूरे दिल्ली NCR की बात करें जो डीजल की बसें आती हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा NCR को ये इलाका आता है, चाहे उसमें गुरुग्राम है, ग्रेट नोएडा है या फिर गाजियाबाद है या फिर दिल्ली है, यहाँ पर जो है BS3 की पेट्रोल गाड़ियाँ और BS4 की जो डीजल गाड़ियाँ उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर इसी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता रहा तो फिर दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 के नियमों को भी लागू किया जा सकता है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।